स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, जो कि तमोरिया रेलवे स्टेशन के कुछ बाहर के नज़ारे हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा और उसके ज़रिए जो है आप तक पहुंचाऊंगा कि यहां पे जो है कितना काम हुआ है, वो आप खुद जो है अपनी नज़रों से देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि CRS निरीक्षण का लगभग 2 साल बीतने को आया है और इस रूट की जो है आप तक जो है जानकारी जैसे पहुंचा हुआ है, जैसे देख सकते हैं आप कि अभी तक जो है कितना काम इस रूट में हुआ है और अभी और अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना काम जो है बाकी है और कितना टाइम लगने वाला है। जैसे कि सिग्नल वगैरह देख सकते हैं कि ये सब जो है कंप्लीट हो चुका है और जैसा कि कलर पेंट वगैरह सब कंप्लीट कर दिया गया है और देख सकते हैं जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स वगैरह जो होते हैं साइड में, उनको भी जो है नया बनाया गया है और रंग पेंट किया गया है। जैसा कि मैं आपको जूम करके ये इन डब्बों को दिखाना चाहूँगा और देखिए यहाँ पे जो है ये कंप्लीट कलर करके जो है कंप्लीट कर दिया गया है और जैसे कि देखा जा सकता है यहाँ पे। और दोस्तों, अगर ट्रैक की बात करें तो ट्रैक भी आप देख सकते हैं कि लगभग कंप्लीट है और जैसे कि मालगाड़ियाँ, तो आप लोगों को कई वीडियो में दिखाया है कि जैसे मालगाड़ी आती है तो वो इन ट्रैक से ही आती है, इन पटरियों से ही होके आती है। तो ट्रैक पटरी जो है वो काफ़ी तंदुरुस्त दिख रहा है यहाँ पे। और जहाँ तक प्लेटफॉर्म की बात है तो प्लेटफॉर्म को भी देखा जा सकता है कि काफ़ी हद तक जो है काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो है रिसेंटली ये जो है प्लेटफॉर्म पे टाइल्स बिछाया गया है और देख सकते हैं कि दूर तक जो है ये टाइल्स का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। ईंट जो बिछाया जाता है प्लेटफॉर्म पे वो कंप्लीट हो गया है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रैक, तो ट्रैक बिल्कुल देख सकते हैं आप कि कंप्लीट है अभी यहाँ पे। और दूसरे नंबर का जो प्लेटफॉर्म है वो लगभग कंप्लीट बोला जा सकता है और पहले नंबर के प्लेटफॉर्म पे भी जो है काफ़ी काम हो चुका है। और ये बाहर प्लेटफॉर्म के बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट नया नया हर चीज़ यहाँ पे दिख रहा है और काम जो है वो काफ़ी हद तक जो है हो चुका है। और यहाँ पे 3 ट्रैक देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे पटरियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं जहाँ से ट्रेन ट्रैक बदलता है, तो वो उन चीज़ों को भी देखा जा सकता है। और यहाँ पे जो है लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली जो है लाया हूँ, देख सकते हैं जो है बाहर का, ये तमोरिया स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। और यहाँ पे देखिए ट्रेन जो है अपनी पटरी जो है बदलती है, वो जो है अधिकतर देखा जाता है स्टेशन के बाहर होते हैं। और तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है कंप्लीट दिख रहा है कि काम जो है काफ़ी फास्ट हुआ है। हालांकि अभी रक्षाबंधन त्यौहार आने की वजह से जो है काम 2-3 दिनों से रुका हुआ है। और ये दोस्तों बारिश का नज़ारा है, यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है, अभी रिसेंटली यहाँ पे बारिश हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं कि बारिश के टाइम में जो है कुछ ऐसा दिखता है तमोरिया रेलवे स्टेशन, और काफ़ी अच्छा बारिश यहाँ पे देखा जा सकता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं बारिश की वजह से भी काम जो है कभी कभार रोकना पड़ता है और रुक जाता है। तो बारिश का भी जो है मौसम यहाँ पे देखा जा सकता है। और जैसे कि देख सकते हैं कि थोड़ी देर में जो है यहाँ पे बारिश इतना हुआ है कि पानी जो है सड़कों पे जमना शुरू हो गया है। और ऐसे में जो है यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा है, काम धंधा बिल्कुल रुका हुआ है। और क्योंकि त्यौहार है, मजदूर जो हैं वो त्यौहार में अपने घर गए हुए हैं, तो अब दोस्तों देखना ये है कि काम जो है वो वापस से कब तक यहाँ पे शुरू किया जाएगा। और दोस्तों जैसे ही काम शुरू होता है, चाहे वो घुंघरिया रेलवे स्टेशन हो, तमोरिया हो या अन्य कोई भी रूट हो, तो मैं आप लोगों तक ज़रूर
वीडियो पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।